प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भी राहु और केतु की बात होती है बहुत से लोग डर जाते हैं, और कुछ लोग तो अपनी कुंडली में राहु केतु के बारे में सुनकर के वैसे ही परेशान हो जाते हैं, और कहीं जाते हैं अपनी समस्या बताते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है कि आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है, इसलिए परेशानी आ रही है। लेकिन दर्शकों, आज इस केतु के संदर्भ में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देता हूं जिसे सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा और आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि राहु और केतु आपकी जिंदगी में चमत्कार करने की ताकत भी जरूर रखते हैं। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं केतु की। किसी भी लग्न का जातक हो, यदि उसके लग्न में ही केतु हो तो ऐसे जातक दयालु भाव के जरूर होंगे, क्रिएटिविटी उनके अंदर जरूर होगी, जीवों के प्रति दया भाव रखने वाले होंगे, जीव जंतु पेड़ पौधों से उनको विशेष लगाव होता है, कुत्तों से उनको विशेष प्यार होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए दर्शकों, केतु यदि अकेला है तो ये सारे परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे, और यदि लग्न का स्वामी भी केतु के साथ हो तो आपको ये परिणाम और अधिक शुभ मात्रा में मिलेंगे। लेकिन यदि केतु के साथ में कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हो, सूर्य या चंद्रमा के साथ में ग्रहण बन रहा हो, तो यहां थोड़े से परिणाम विपरीत जरूर होते हैं। लेकिन दर्शकों, फिर भी केतु लग्न में यदि अकेला हो या लग्नेश के साथ हो तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे फल अवश्य देगा। अब दर्शकों, यहां मैंने दो स्थिति आपको बताई थी कि सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रहण ना लग रहा हो, लेकिन दर्शकों, यदि कर्क लग्न की कुंडली है, गणेश के साथ है, तो आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। यदि सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य के साथ केतु बैठे हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। दर्शकों, केतु जिन लोगों का लग्न में बैठा हो वो लोग HRD से रिलेटेड हो, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस के रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, किसी NGO से रिलेटेड या कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो उनको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। कोई भी क्रिएटिविटी से संबंधित काम यदि आपका है तो आपको परिणाम ज्यादा अच्छे मिलेंगे। केतु लग्न में बैठा हो और ऐसे व्यक्ति यदि केतु से संबंधित कार्य ही करें तो उनको परिणाम अवश्य अच्छे प्राप्त होते हैं। इसीलिए इंजीनियरिंग, सोशल सर्कल, NGO, समाज सेवा, सिविल सर्विसेज, इनके अंदर उनको अपना भाग्य अवश्य अजमाना चाहिए। और दर्शकों, यदि केतु की महादशा भी आपको चल रही हो और आपकी आयु वर्ग यदि 20 वर्ष के बाद से लेकर 40 वर्ष के बीच का समय हो तो केतु आपको विशेष परिणाम भी अवश्य प्रदान करेगा। लेकिन दर्शकों, एक चीज को ध्यान रखना है, केतु के कारण से व्यक्ति कई बार जीवन में अपने आप को ठगा सा भी महसूस करते हैं, क्योंकि दूसरों पर दया करने का भाव आपके अंदर होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग आपका फायदा भी उठाते हैं, और आप सभी लोग जानते हुए भी आप कभी किसी को ना नहीं कर पाते हैं। ये कमजोर सेटबैक भी आपको जरूर मिलता है केतु के कारण से। इसलिए अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा अंकुश लगाइए और अपनी प्रतिभाओं को विकसित करके उनका फायदा अपने लिए उठाइए। इतना सा प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। कुत्ते को पालना या कुत्ते को दूध रोटी देना, ये भी आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। जीवों पर दया करना, जीवों से प्रेम करना, ये आपकी कमजोरी भी है। इसे मैं कमजोरी इसलिए कह रहा हूं कि आप अपना कीमती समय छोड़कर भी आप उन लोगों के लिए अपना समय लगाते हैं, इसीलिए मैं आपको इसकी कमजोरी बता रहा हूं। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिए, अपनी भावनाओं पर यदि आप नियंत्रण रख पाते हैं तो केतु आपको ऐसे रिजल्ट देंगे जो आपको समाज के अंदर एक उच्च पद की प्राप्ति हो, ऐसी संभावनाओं को जन्म दिलाएंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको केतु के सकारात्मक परिणाम बताने का प्रयास किया है। आपके मन से डर अवश्य निकल गया होगा कि मेरा केतु यदि लग्न में बैठा है तो मुझे कहीं कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन दर्शकों, इसके अलावा केतु बाकी किसी भी घर में यदि बैठा होगा तो उसके परिणाम अलग तरह से होंगे, लेकिन लग्न में बैठा हुआ केतु आपको अच्छे रिजल्ट ही
जरूर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।